नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया होते जा रहा है, कैशलेस इंडिया होते जा रहा है, और हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी छोटे से बड़े दुकान पे जाते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम ऑनलाइन पेमेंट UPI पेमेंट के तहत से काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नागपुर के एक चर्चित स्कूल जिसका नाम है बिशप कॉटन, यानी कि इस स्कूल में आज भी अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए फीस जमा करना चाहे तो ऑनलाइन नहीं जमा कर सकता है, घर से पैसा नहीं भेज सकता है। और इस संबंधित हमने बिशप कॉटन स्कूल के जो प्रिंसिपल है मंजूषा मैम, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नागपुर के VCA ग्राउंड के पास में, बिशप कॉटन स्कूल के पास सामने। मेरे पीछे आप जो प्रीमाइसेस देख रहे हैं वो स्कूल प्रीमाइसेस है, और आज हमें इस स्कूल के बारे में ये आने की आवश्यकता इसलिए हुई और बताने की ज़रूरत इसलिए हुई आपको कि एक तरफ जहां आप सभी देख रहे हैं कि देश में कैशलेस इंडिया की तरफ बार बार माननीय प्रधानमंत्री का भी जोरों शोरों से इस पे ध्यान है कि जो है कैशलेस इंडिया होना चाहिए, लेकिन बिशप कॉटन स्कूल कैशलेस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों की जो फीस अगर उन्हें पेड करना है तो उन्हें कैश में ही पैसा मांगा जाता है। अगर कोई पैसे नहीं लेकर आया है या फिर वो चाहे कि बैंक के थ्रू या फिर QR कोड के थ्रू UPI के थ्रू अगर वो बैंक को में पैसा डाल सके, यानी कि स्कूल के जो अकाउंट है उसमें पैसा डाल सके अपने बच्चों की फ़ीस, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस संबंधित हमने यहाँ के प्रिंसिपल मंजूषा मैम से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पे ऑन कैमरा आके कुछ भी बोलने से बिल्कुल मना कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर दिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट ना लेने का अर्थ ये होता है कि आपका सारा व्यवहार कैश में होगा, और कैश में भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं होती हैं वो कैश में ही होती हैं। ऑनलाइन पेमेंट ना लेना अपने आप में एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी तरफ जब भी आप अपने घर के आसपास जाते हैं, एक छोटे से डेली नीड्स की दुकान में भी जाते हैं, तो आप एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप 10 रुपये की भी कोई चीज़ लेते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तो साल भर का फीस जो है बच्चों का लगभग 16 से 18, 19, 20 हज़ार के आसपास है, जिसे ऑनलाइन लेने से साफ मना कर दिया जाता है। यहाँ के प्रिंसिपल मंजूषा मैम का ये भी कहना था कि जब कोविड का समय हुआ था तब उस समय इन्होंने ऑनलाइन वगैरह पेमेंट लिया था। सवाल ये उठता है, जब तब ऑनलाइन ले सकते थे तो अब ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते हैं? तो तब इसलिए ऑनलाइन लिया जा रहा था क्योंकि उस समय बच्चे यहाँ स्कूल में नहीं आते थे और इनके पास चांसेस कम थे कि सभी बच्चे फीस दे सके, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम ऑन कर दिया ताकि घर से फीस भर सके। और जैसे ही बच्चे स्कूल में आने लगे, पढ़ने लगे और पेरेंट्स आने लग गए, तब उन्होंने फिर से ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर दिया कि अभी यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, और जिससे कुछ पेरेंट्स हमारे पास आए और परेशान भी थे, जिसको लेकर के हम आवाज़ उठा रहे हैं। और दूसरे बिशप कॉटन की एक स्कूल है, वहाँ भी सूत्र बताते हैं कि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। आखिर इस तरीके का अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आखिर ये कब तक होगा, और इस पर शासन और प्रशासन का कितना ध्यान और कब जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। आगे इस संबंधित जुड़े और भी खबर हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहे NBCA न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, NBCA न्यूज़ से।